अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब आज है सैटरडे और बच्चों को हम लेके जा रहे हैं आज, वैसे ही लेके जा रहे हैं, लेट्स सी हम कहाँ जाते हैं। तो जी बस निकल रहे थे तो मैंने कहा स्टार्ट का जो है क्लिक बना लेते हैं, शूट कर लेते हैं। तो जी आज ये कपड़े वगैरह वॉश किए थे, आज ज़रा बहुत सारी मसरूफियत थी तो बच्चों के फिर पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमने कहा इनको लेके आज चलते हैं। तो ओके जी लेट्स गो होते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो जी रास्ते में ये इतने सारे बर्ड्स दिखे तो यहाँ का भी एक मैंने जो है कैप्चर कर लिया, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। फाइनली लेके आ गए हैं बच्चों को, पार्क लेके आए हैं हम, फिर पार्क लेके आए हैं। तो मीना हिल और ये चेक करें भैया आप, यहाँ बहुत इतनी प्यारी प्यारी कोई बत्तखें थीं, बगले थे इसमें, सब मिक्सअप थे। और ये पानी बट बहुत गंदा था इनका, लेकिन जो है ये बहुत प्यारे लग रहे थे। ये देखें भाई, ये देखें, ये चेक करें, वाह अल्लाह ताला ने वाकई बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, जिसे देख के बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकलता है। माशाल्लाह वाकई अल्लाह पाक की कुदरत है, अल्लाह ने क्या क्या बनाया है। ये देखें भाई, हम लोगों ने जल्दी निकलना था बट बच्चों के साथ आप लोगों को पता है थोड़ा टाइम लग जाता है। और ये जो है आई थिंक अभी 5:30 का टाइम है कोई, ये देखें भाई। और ये वैसे गए थे यहाँ पीछे, ये पॉपकॉर्न लेने गए थे बत्तख को लेने के लिए, पॉपकॉर्न लेने गया था। चले दो, शाबाश, वेरी गुड, बहुत प्यारा लग रहा है। ये वैसे यहाँ पे इनको पॉपकॉर्न खिला रहे, दे दो सारी नहीं आ रही है ना। देखो आराम से सारी बत्तख उधर से चीख रही है पीछे ना, सारी कह रही है हमें भी दो। वे चेक करेंगे तब जाना लगे, अब हम आगे जा रहे थे बच्चों को लेके, हमने कहा देखते हैं झूले झूले बच्चों को झुलाएंगे, देखते हैं और क्या है इनके मतलब का करने वाला। बच्चों की एक छोटी सी आउटिंग है ये हो गई, आगे तो इनके फिर पेपर्स होने वाले हैं, तो लेट्स सी क्या करते हैं। और ये जी ऊंचाई से ये व्यू चेक करें, ये जो है पूरा कराची तकरीबन दिख रहा है, ये बहुत हाइट थी इसकी और हम लोग हाइट पे खड़े होके व्लॉग बना रहे हैं। ये चेक करें, चेक
पे आ जाओ बेटा। यहाँ पे हम लोग आए प्ले लैंड में लेके बच्चों को। हाँ कहा हुआ मनु, और ये रश चेक करें यहाँ पे अलादीन। चलें जी, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। हमने ये झूले लेने हैं, हमने वो लेने हैं। तो जी चल चल के इस वक्त हम लोग थक चुके। और जी ये सबसे खतरनाक झूला है, और जो है उल्टा और सीधा दोनों तरफ जा रहा है। इसको देख के तो खैर मुझे बड़ा खौफ आ रहा है। नहीं नहीं उसमें सपोर्ट दी हुई है। और अब हम बैठेंगे उस वाले में, उस पर हम बैठेंगे हम सब मियाँ जी समेत। मम्मा बैठेंगी इसमें, है ना मन्नो? ये बैठे हैं बच्चे। हेलो मन्नो। और इधर बैठी हैं मम्मा बाजू के साथ। और ये जी बड़ा मज़ा आने वाला है। और जी आज ना मौसम भी बहुत प्यारा था। जब हम लोग निकले थे मौसम भी बहुत खूबसूरत था। अब तो खैर मगरिब हो रही है, बहुत प्यारा मौसम था, ठंडा ठंडा सा। अब ये कब स्टार्ट होता है देखते हैं जी, बहुत मज़ा आने वाला है ना मिना है, मज़ा आने वाला है। मास बैठ गया बट मास को डर लग रहा है ना बाजू है। कोई लेती हूँ मिना है। चलो जी झूला चला गया, स्टार्ट हो गया। माजू और माजू हेलो हेलो। और मुनीब भी बैठे हैं, मुनीब बाबा नहीं भाई। वाह हम लोग ऊपर जा रहे हैं। अच्छा जी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश थे, बस उनकी खुशी चेक करें, इतने माशाल्लाह एक्साइटेड थे, इतने ज़्यादा इन्होंने एंजॉय किया।
और हम लोग आगे आए तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी गाड़ी थी, बहुत मज़े की, लाइट्स वगैरह बहुत अच्छी थी। शायद फैमिली पार्क है, बहुत अच्छा पार्क है और आप लोग भी ज़रूर जाइएगा बच्चों को लेके। बच्चे बच्चे खूब इंजॉय करेंगे, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा पार्क है, बच्चों के हिसाब से तो बेस्ट है। और फिर जब अब हम आ गए थे आगे और माँ को हमारे घोड़े दिखे और माँ उन पर नहीं बैठे तो इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो माँ ने यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह की, घोड़े पे बैठे, इनको बहुत अच्छा लगा, इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और जनाब ये बच्चा रह गया था तो हमने कहा क्यों ना जब ये आया तो इसको भी मज़ा करवाया जाए, तो हमने इनको बिठाया गाड़ी पे और ये हैरान परेशान कि मुझे मम्मा बाबा ने कहाँ बिठा दिया। तो ये अब आप लोग देखें, खैर माशाल्लाह खुश था ये भी, इससे तंग मुझे नहीं किया बिल्कुल भी, जबकि इसकी तबीयत ही सही नहीं थी। फिर हम लोग आगे जा रहे हैं यहाँ पे और जी रश भी बे इंतहा रश था, बहुत ज़्यादा रश था, मतलब जहाँ जाओ, खैर ईद के डेज में तो जहाँ जाओ वहाँ पे सब जगह रश ही रश होता है ज़्यादातर। और ये बस इन्होंने झूला, आखिरी झूला, लास्ट झूला इन्होंने झूला, फिर बच्चे थक गए थे बहुत ज़्यादा, असल में चले थे और बच्चों को भूख भी लगी थी, तो हमने कहा कि कुछ ना कुछ खाते हैं बाहर से। तो ये हम लोग अब आ गए थे यहाँ पे, भूख हम लोगों को लग रही थी तो हम लोग यहाँ डिनर करने आ गए थे। अभी बस मेन्यू डिसाइड कर रहे थे कि क्या खाना है, तो बच्चों का जो इरादा था वो बाजीगू खाने का बिल्कुल भी नहीं था, बट बच्चों की ख्वाहिशात के आगे अपनी जो है ख्वाहिश कुर्बान की जाती है, तो हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। बस हमने फिर यहाँ पे डिनर वगैरह ऑर्डर किया और जब तक ऑर्डर हो रहा था, ऑर्डर आ रहा था, टाइम था, तो मेरे बच्चों को प्ले लैंड में ले गए यहाँ पे भी। अभी ये ओके जी, तो यहाँ पे हमारा डिनर आ चुका था, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से डिनर अपना एंजॉय किया, बच्चों ने भी, हमने भी, इसलिए कि भूख तो बहुत भाई बहुत शदीद कोई लग रही थी, चल चल के थकन भी बहुत हो गई थी और भूख भी बहुत शदीद लग रही थी। और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।